तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है आ, पिछले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड पे बात की थी और चूंकि हमें गॉस ला को जानना है तो इसके लिए अब हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को जानेंगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है तो उसमें देखिए दो वर्ड हैं एक तो इलेक्ट्रिक है दूसरा फ्लक्स ओके तो फ्लक्स क्या होता है पहले ये समझने की कोशिश करते हैं तो देखिए आप सब लोगों ने फ्लक्स का जो है एक्सपीरियंस कर रखा है ऑलरेडी कैसे एक्सपीरियंस कर रखा है देखिए फ्लक्स क्या है फ्लक्स है कोई वेक्टर फील्ड ठीक है कोई वेक्टर फील्ड किसी रीजन से किसी सरफेस से क्रॉस कर रही हो ठीक है बहुत सिंपल वे में भी समझते हैं तो मान लीजिए एक आप सब लोगों ने वाटर का पाइप देखा है ठीक है सिंपल वाटर का पाइप जो पतला वाला आता है उसमें से आपका कुछ इस तरीके से पानी बाहर निकलता है ठीक है ये आपका वाटर फील्ड लाइंस बहुत सारी क्रॉस कर रही होती है इस तरीके से तो ये जो वाटर फील्ड लाइन इस क्रॉस सेक्शनल एरिया से ये जो परपेंडिकुलरली नॉर्मली क्रॉस कर रही हैं तो ये जितनी वाटर फील्ड लाइन इस रीजन से क्रॉस करेंगी वो वाटर फ्लक्स कहलाएगा ठीक है सिंपल कोई भी वेक्टर फील्ड अगर नॉर्मली किसी सरफेस से क्रॉस करती है तो वो उस फील्ड का फ्लक्स बताएगी सिंपल सी लैंग्वेज में अब फील्ड क्या है अब हम हम कैसी फील्ड कंसीडर कर रहे हैं हम फील्ड कंसीडर कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जरा फ्लक्स को समझने की कोशिश करते हैं ओके okay, तो इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड पहले लेते हैं कुछ हमारी फील्ड जो है वो होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड है कैसी फील्ड है होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो एक दूसरे के पैरेलल हों और इक्वी डिस्टेंट पे हों उसको हम बोलते हैं होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड ओके होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड बिल्कुल पैरेलल हो और इक्वी डिस्टेंट हो तो वो हो गई हमारी होमोजेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड या वो एक्स वाई जेड पे डिपेंड ना करती हो ठीक है पोजीशन कोऑर्डिनेट पे उनका वेरिएशन ना हो कांस्टेंट तो मान लीजिए कोई सरफेस ले लेते हैं मान लीजिए मैंने एक सरफेस ये ले ली कुछ ठीक है ये सरफेस एक है तो ये मान लीजिए हमारी जो सरफेस है वो एक आ, यूनिट सरफेस है ठीक है यानी ये एक हमने जो रेक्टेंगल बनाया है ये कुछ यूनिट लेंथ का है रेक्टेंगल की जगह स्क्वायर ले लेते हैं ज़्यादा बेटर रहेगा या यूनिट लेंथ का है तो स्क्वायर ही बनेगा तो इस देखिए इस सरफेस से हमारी कितनी फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है तीन फील्ड लाइन क्रॉस कर रही है दीज आर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन विच क्रॉसिंग थ्रू दिस सरफेस तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा ठीक है ये यूनिट है वन यूनिट का इसका ये वन यूनिट और ये भी वन यूनिट है तो इस केस में हमारा जो फील्ड होगा वो तो हमारा फील्ड क्या होगा फील्ड तो कॉन्सटेंट है तो फ्लक्स क्या होगा फ्लक्स जो होगा वो इस फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा यानी यहां पे तीन फील्ड लाइन क्रॉस करनी है तो इसका फ्लक्स कितना हो गया थ्री फ्लक्स थ्री हो गया अच्छा वहीं पे अगर हम फील्ड लाइंस बढ़ा दें है ना इससे हमें लग रहा है कि जो हमारा फ्लक्स है वो फील्ड के तो प्रोपोर्शनल है अभी हमने एरिया को कंसिडर नहीं कर रहे हैं केवल फ्लक्स को कंसिडर फील्ड को कंसिडर कर रहे हैं दोबारा कुछ फील्ड लेते हैं अगर हम फील्ड लाइन बढ़ा दें इससे अब हमारी फील्ड लाइन कितनी क्रॉस करनी है देखिए वन टू थ्री फोर फाइव तो फ्लक्स कितना हो गया फाइव यूनिट का फ्लक्स हमें मिला पाई इज इक्वल्स टू फाइव यूनिट ओके तो देखिए एक तो बात हमें यह पता चल गई कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जैसे जैसे हम इंटेंसिटी बढ़ाते हैं हमारा फ्लक्स बढ़ता है ठीक है दूसरी बात क्या आपको पता चल देखिए अगर मान लीजिए मैं कुछ फील्ड लाइन और बढ़ा दूँ मान लीजिए मैं एक फील्ड लाइन ये कर देता हूँ ठीक है और कुछ फील्ड लाइन इस तरीके से बाहर निकल रही है और कुछ फील्ड लाइन आपकी यहाँ से बाहर निकल रही है ठीक है अब मान लो मैं इससे बड़ा रीजन का सरफेस कंसीडर कर लेता हूँ ठीक है ये ये पहले हमारी फील्ड लाइन टोटल कितनी थी सेवन पर क्रॉस कर रही थी फाइव तो हमारा फ्लक्स था फाइव पर अब हमने रीज़न बड़ा कर दिया जिस सर्फेस से ये फील्ड लाइन क्रॉस कर रही थी वो रीज़न बड़ा कर दिया तो अब देखिए ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे क्रॉस करने लगी है ना तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा फ्लक्स है वो एरिया पे भी डिपेंड करता है जो सरफेस हमने लिया उसके एरिया पे भी डिपेंड करता है तो यहां से फ्लक्स का जो फार्मूला हम सिंपल बना सकते हैं वो क्या है इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू एरिया ओके अब यहां पे वेक्टर वगैरह का कोई कंसिडर नहीं कर रहे इट्स नॉ इट्स सिंपल स्केलर फॉर्म यानी सिंपलेस्ट फॉर्म जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इन टू इट्स इस एरिया तो uh, इसका जरा डेफिनेशन uh, देख लेते हैं इसका स्टेटमेंट कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं सो द इलेक्ट्रिक द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ओके द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दैट्स बेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग normally through a surface is the electric flux ठीक है तो ये इसका बेसिकली स्टेटमेंट हो गया ओके okay. तो यहां से भाई हमने देख लिया कि जो ये फ्लक्स था वो इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया का सिंपल आपने आ, इनका प्रोडक्ट ले लिया तो आपको फ्लक्स मिल गया पर यहाँ पे ये सिंपलेस्ट केस है सिंपलेस्ट केस मतलब हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं वो इस सरफेस से बिल्कुल नॉर्मली जा रही हैं पर क्या होगा जब हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से किसी एंगल पे क्रॉस करें हमारी फील्ड अभी भी यूनिफॉर्म है नॉन यूनिफॉर्म नहीं कंसिडर कर रहे हैं ये सारा का सारा केस अभी हम स्टडी कर रहे हैं यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अभी हमने ये नॉन यूनिफॉर्म का कोई केस कंसीडर नहीं किया तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आ, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बिल्कुल हमारी इस केस में बिल्कुल सरफेस के नॉर्मली क्रॉस की तो इस केस में हम इसको सिंपले डिफाइन कर सकते हैं ई इंटू ए पर हमेशा ये केस नहीं रहेगा कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है बिल्कुल नॉर्मली क्रॉस करें पर जो जो हमारा स्टेटमेंट है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि ये नॉर्मली क्रॉस करना चाहिए ओके okay. तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वही कंपोनेंट लेंगे जो इस सरफेस के बेसिकली नॉर्मली हिट करेगा जो इसके परपेंडिकुलर हिट करेगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे वो पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओके चलिए देखते हैं वो कैसे पार्टिसिपेट नहीं करेगा ओके तो जो अगला इस पर हम देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कोई एंगल बना रही हो जब किसी सरफेस से क्रॉस करने अच्छा आप जब एंगल बना रही हैं किसी सर्फेस से क्रॉस करने में तो हमें एक बात और जानना जरूरी है कि उस सर्फेस का जो एरिया हम कंसीडर करेंगे उसको हम स्केलर और लेके वेक्टर कंसीडर करेंगे ओके जो हमारा एरिया होगा वो एक वेक्टर की तरह होगा तो थोड़ा सा एरिया वेक्टर को भी समझ लेते हैं है ना काफ़ी लोगों को आप लोगों में से पता होगा एरिया वैक्टर क्या होगा क्या होता है पर फिर भी डिस्कस कर लेते हैं तो एरिया वैक्टर मान लीजिए मैं एक वैक्टर लेता हूँ वैक्टर ए ठीक है और एक वैक्टर कर लेता हूँ बी ओके और इन दोनों का अगर मैं करता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी तो ये हमें क्या देगा ठीक है ये हमें बेसिकली क्या देगा एरिया uh, देगा इस स्क्वायर का हमको एरिया मिल जाएगा ठीक है एरिया मिल जाएगा तो पर इसका एक डायरेक्शन होगा ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी पर इट हैज ए डायरेक्शन अगर ए आपका आई कैप में है और बी आपका जे कैप में है तो इसका डायरेक्शन जो होगा वो के कैप होगा यानी यहां से जो आपको एरिया मिला वो वेक्टर मिला और उसका डायरेक्शन क्या मिला के कैप यानी आई क्रॉस जे यानी दिस क्रॉस दिस एरिया का आपको डायरेक्शन मिल गया ओके okay? अगर मैं सरफेस को ये कंसीडर करता हूँ दिस इज अवर सरफेस और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस पर हिट करेंगी तो इस केस में जो एरिया वेक्टर हम लेंगे वो इसका इस डायरेक्शन में लेंगे फील्ड के डायरेक्शन में एरिया वेक्टर हम कंसिडर कर लेते हैं ओपन सर्फेस के लिए क्लोज सर्फेस के लिए हम मोस्टली आउटवर्ड ही लेते हैं हमेशा आउटवर्ड लेते हैं क्लोज सर्फेस के लिए ओके okay? तो ये आपको एरिया वैक्टर यहाँ से समझ में आ गया एक टाइप का सरफेस है जिसके लिए एरिया वेक्टर जानना बहुत जरूरी है जिसका गॉस लॉ में बहुत अप्लीकेशन होगा वो है मान लीजिए कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है तो अगर कोई सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ ये सिलिंड्रिकल ये सिलिंड्रिकल तो देखिए इसमें एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शन लेंगे ये क्लोज है टोटली totally क्लोज तो इस सर्फेस इसमें दो तो कितनी सर्फेस है तीन सर्फेस है फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तो ये वाली जो सर्फेस है ठीक है तो ये क्लोज है इसका एरिया वेक्टर आउटवर्ड हम इस डायरेक्शन में एरिया वेक्टर लेंगे एरिया वेक्टर ये वाला जो क्रॉस सेक्शनल है ये भी क्लोज है और इसका डायरेक्शन आउटवर्ड यानी इस डायरेक्शन में इसका एरिया वेक्टर लेंगे और ये वाला जो है वो कर्ड रीजन है कुछ कर्ड रीजन इस तरीके से होगा तो इसके नॉर्मल हम एरिया वेक्टर ड्रॉ करेंगे इस तरीके से एरिया वेक्टर हम ड्रॉ करेंगे इस पे इस सरफेस पे ओके okay, थोड़ा सा और इसको समझते हैं सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट को क्योंकि गॉस लॉ में हम क्लोज uh, सर्फिस बनाएंगे तो उसमें हम इस तरीके के बहुत सारे सर्फेसेस ड्रॉ करेंगे तो मान लीजिए ये कुछ कागज़ से मैं एक सिलेंडर uh, सा शेप बनाया ये ये क्लोज होना चाहिए इधर इधर से तो इस पर एरिया वेक्टर कैसा होगा इस डायरेक्शन में लेंगे है ना ये क्लोज होना चाहिए क्लोज सिलेंडर लेंगे तो ये इस डायरेक्शन में होगा इस डायर इस यहाँ इस सर्फिस का एरिया वैक्टर क्या होगा इस डायरेक्शन में हो गया और कॉर्ड रीजन अगर लेते हैं कॉर्ड रीजन तो कर रीजन में एरिया वेक्टर आप इस तरीके से डाल सकते हैं इस हर पॉइंट पे एरिया वेक्टर कुछ इस तरीके से आप पूरे इसके कर्ड रीजन पे आप एरिया वेक्टर इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं ठीक है समझ गए सिलेंडर में कि केस में कैसे एरिया वैक्टर ड्रॉ करेंगे इसके बाद अगर इस्फेयर कंसिडर करते हैं तो इसफेयर में एरिया वैक्टर जो लेंगे वो आपको पता ही है ये जो सेंटर से पास करेगा ये इसके नॉर्मल इस केस में ये आपका नॉर्मल होगा सरफेस के ओके okay. तो कोई भी सेंटर से पास करता हुआ आप पॉइंट ले लें तो वो हमेशा आपको एरिया वेक्टर के बारे में आइडिया देगा ये जो डायरेक्शन है एरिया वेक्टर की आप इस तरीके से कंसिडर कर सकते हैं ओके okay, तो ये स्फेयर के केस में ऐसे लेंगे सिलेंडर केस में ऐसे लेंगे और सर्फेस अगर आपका प्लेन है तो इसमें इस तरीके से हम एरिया वैक्टर डिफाइन करेंगे फील्ड की डायरेक्शन में तो एरिया वेक्टर अगर क्लियर हो गया अब हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड हम स्टडी कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टडी कर रहे हैं कब जब अब इस बार सर्फेस से हमारी जो फील्ड लाइन्स हैं वो एक सर्टन एंगल बनाए तो वही हमारा ये कुछ सर्फेस है इस तरीके का ठीक है ये सर्फेस इस तरीके का है ओके अब इस पर इसका एरिया वेक्टर कैसा है एरिया वेक्टर तो इस इस डायरेक्शन में गया हमारा ये इसका एरिया वेक्टर है ठीक है एंड जिसका डायरेक्शन नॉर्मल टू द सरफेस एंड कैप ले लो या वेक्टर इसे भी डिफाइन कर सकते हैं एक ही बात है अच्छा फील्ड जो है हमारी वो कैसी है वो एक एंगल बना रही है ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई हमारी अभी भी यूनिफॉर्म ही इलेक्ट्रिक फील्ड है ये फील्ड हो गई और तीसरी फील्ड ये हमारी कुछ इस तरीके से फील्ड ठीक है फील्ड हमारी इस तरीके से और ये फील्ड ले रही है एक एंगल थीटा एंगल थीटा बना रही है एरिया वेक्टर तो ये फील्ड देखें अब फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे यहाँ पे एक इसका ओरजेंटल कंपोनेंट एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट ठीक है तो इस वाली फील्ड को भी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए इस वाली पे ध्यान दें इसी का एनालिसिस हम कर रहे हैं तो ये वाली जो पॉइंट है इसके दो कंपोनेंट है एक इसका हॉर्जेंटल कंपोनेंट होगा यानी ये वाला और एक इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा ठीक है तो हॉर्जेंटल कंपोनेंट जो होगा वो कैसा होगा उसका वैल्यू होगा e cos थीटा और जो वर्टिकल है वो e sin थीटा समझ गए ना ये वेक्टर है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर इसका ये हॉर्जेंटल कंपोनेंट cos थीटा ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट ई sin थीटा और हॉर्जेंटल कंपोनेंट है वो हमारे सरफेस से बिल्कुल नॉर्मली क्रॉस करेगा बिल्कुल ठीक तो यही वाला पार्ट हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स के लिए कंट्रीब्यूट करेगा ये वाला पार्ट कंट्रीब्यूट नहीं करेगा तो ऊपर चलेगी ना फील्ड लाइन हमें वो फील्ड लाइन चाहिए जो सर्फेस नॉर्मली क्रॉस करे ओके okay. तो यहां से हमने अपना फॉर्मूला तो देख ही रखा है तो हमारा फॉर्मूला क्या था इज टू टू इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड फील्ड लाइन लाइन कंपोनेंट ऑफ बेसिकली परपेंडिकुलर द सो इन दैट केस अवर कंपोनेंट इज ई कॉस्ट थीटा और एरिया इस बार इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिया उसका कंपोनेंट लिया वो कंपोनेंट कौन सा है ई कॉस्ट थीटा ठीक है एरिया वेक्टर तो ये हमारा शेप लेगा ई ए कॉस थीटा और दो वेक्टर अगर है दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हम कैसे डिफाइन करते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दैट इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा सिंपल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट का एक्सप्रेशन है तो यानी इस जो फाई है फाई को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं फाई डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद एरिया वेक्टर, डिफाइन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एंड दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा है ये स्केलर क्वांटिटी है दो वैक्टर का डॉट प्रोडक्ट एक स्केलर देगा तो पाई इज ए स्केलर क्वांटिटी, यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज अ स्केलर क्वांटिटी ओके और क्या बात इंपॉर्टेंट हमें यहां से देख सकते हैं आ, इसका यूनिट देख सकते हैं यूनिट क्या होगा इसका यूनिट जो होगा इसका वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड यानी न्यूटन पर कूलॉम और एरिया यानी मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर कूलॉम मीटर स्क्वायर इज द यूनिट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके तो ये पार्ट था हमारा होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अब तक यूनिफॉर्म या होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कंसिडर की थी आ, उसके लिए तो हमारा ये फॉर्मूला है पर तब क्या होगा जब हमारा आर्बिट्री हम सरफेस चूज़ करें और हमारी फील्ड जो हो आ, वो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर हम केस लेते हैं तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा दैट्स द मोस्ट जनरल फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो चलिए चलते हैं अगले पार्ट में इस वीडियो के जिसमें हम डिस्कस करेंगे जब हमारी फील्ड यूनिफॉर्म ना हो के नॉन यूनिफॉर्म हो या नॉन होमोजीनियस इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम केस लेते हैं तब क्या होगा तो इस बार फील्ड uh, जो है वो हमारी नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी नॉन यूनिफॉर्म या कुछ बुक्स में आप इसको नॉन होमोजनियस भी देखते हैं नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड तो नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो हम कोई एक सरफेस ले लेते हैं एक सरफेस uh, ले लिया मान लीजिए ये मैंने क्लोज सरफेस ले लिया ठीक है एक क्लोज सरफेस ले लिया अब इस क्लोज सर्वेस में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हर पॉइंट पे उसका डायरेक्शन आपका एक समान नहीं है और एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन एक जैसा नहीं होगा तो मान लो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ इस तरीके से है दैट इज ई वन यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है दैट इज ई टू ओके कुछ इस तरीके से मान लीजिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से है ई टू वैक्टर ठीक है तो अब हम क्या करें और यहाँ पे कुछ इस तरीके से है है ना इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पूरे सरफेस में अलग अलग रीजन्स में है है ना बहुत सारी हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स हैं तो अब हम क्या करेंगे हम एक छोटा सा रीजन चूज़ करें, करेंगे इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे इंटीग्रेशन कॉन्सेप्ट मतलब एक छोटा सा हम यहाँ पे एक छोटा सा रीजन ले, ले लेते हैं छोटा सा रीजन ओके अब इस छोटा सा रीजन में क्या होगा ये वाला जो लेंथ है आपका इसको मान लेते हैं डी एक्स आई कैप और इसको मान लेते हैं डी एक्स डी वाई जे कैप तो इनका जब आपस से क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आपको एक एरिया वेक्टर मिल जाएगा तो एरिया वेक्टर मान लीजिए छोटा सा आपको एरिया वेक्टर इसके नॉर्मल सरफेस के नॉर्मल मिलेगा क्या मिलेगा वो मिलेगा डी एस वैक्टर डी एस और वैक्टर डी एस ही डिफाइन कर देते हैं विच इज़ इक्वल टू डी एस एन के तो ये हमारा एरिया वैक्टर है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है डी uh, एस नहीं डेल्टा एस लेते हैं अभी बाद में इसको डी एस में कन्वर्ट कर देंगे ओके डेल्टा एस वन इसी तरह यहाँ पे भी एक छोटा सा हम लेंगे इसी तरह यहाँ भी छोटा सा लेंगे है ना इसके कोरोस्पॉ डेल्टा एस टू बनेगा इसके कोरोस्पॉ डेल्टा एस थ्री बनेगा तो यहाँ पे अब जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो कई सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कई सारे इलेक्ट्रिक फ्लक्स होंगे तो पहला इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या मिलेगा फाई वन डेल्टा फाई वन छोड़ा सा मिलेगा ना डेल्टा फाई वन इज इक्व टू ई वन डॉट प्रोडक्ट विथ एरिया अब एरिया हमारा कितना है इसमें डेल्टा एस वन डेल्टा ए वन भी ले सकते हैं आपकी मर्जी है ओ वेक्टर ओके तो इसी तरह दूसरा जो हमने छोटा सा रीजन लिया है उसके लिए हमारा फ्लक्स कितना होगा डेल्टा फाइव टू इज इक्वल टू वैक्टर ई टू डॉट डेल्टा एस टू वैक्टर ठीक है तो इसी तरह थर्ड के लिए भी होगा ओके और इसी तरह अगर हम एन नंबर ऑफ इसमें छोटे छोटे रीजन लें है ना बहुत सारे छोटे छोटे रीजन में इसको हमने डिवाइड किया तो वो एन रीजन के लिए हमारा क्या होगा डेल्टा पाई एन इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एस एन चलिए तो इसका मतलब है कि जो टोटल नेट फ्लक्स होगा इस पूरे सरफेस से जो आपकी फील्ड लाइन क्रॉस करेंगे ओके वो कितनी होगी तो उसके लिए जरा बनाते हैं फॉर्मूला तो नेट जो होगा हमारा फाई तो नेट होगा नेट फ्लक्स कितना होगा इन सबको ऐड कर दें तो दैट इज ई वन डॉट डेल्टा एस वन प्लस ई टू डॉट डेल्टा एस टू और कहां तक है एन नंबर तक है तो प्लस ई एन डॉट डेल्टा एस एन ठीक है आगे बढ़े तो इनको हम समेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं तो साइज जो होगा हमारा नेट इज इक्वस टू समेशन आई इज इक्वस टू वन ठीक है से कहाँ तक ले जा रहे हैं एन तक ले जा रहे हैं एन और ये हो गया ई आई ओके वेक्टर डॉट डेल्टा एस आई ठीक है वन टू थ्री फोर इस तरह एन नंबर्स के लिए हम इसको ऐड कर सकते हैं अच्छा अब हम क्या करें हम मान लीजिए एन नंबर हमारे जो हैं बहुत ज़्यादा है मीस ये जो टोटल सरफ़ेस है इसमें ज़्यादा हम जितना छोटा रीजन लेंगे यानी डी जितना छोटा होगा ये डी एस जितना ये डेल्टा एस जितना छोटा आप कंसिडर करेंगे यानी जीरो की तरफ अगर टेंट करता है तो ये हमारे जो 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 पैचेज हैं छोटे छोटे जो हम रीजन कंसिडर करें वो तो इन्फाइनइट हो जाएंगे ना सिंपल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट तो अगर हम इसमें एक लिमिट लगा दें दैट लिमिट क्या होगी या तो एंड टेंस टू तो इनफिनिटी कर दें और डेल्टा एस टेंस टू तो जीरो एक ही बात है ठीक है एंड इन्फाइनइट जाएगा तो डेल्टा एस अपने आप जीरो होगा सो इन दिस केस अवर फ्लक्स जो नेट फ्लक्स होगा दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी एस तो वो डेल्टा हमारा डी में कन्वर्ट हो गया ओके तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिस इज द मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओके दिस इज द मोस्ट जनरल फॉर फॉर्मूल क्लोज सर्फेस लिया है तो क्लोज बना देते हैं दिस इज द मोस्ट जनरल फार्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फ्लक्स और जो कि हमारा गॉस थ्योरम का क्या है लेफ्ट हैंड साइड ओके तो ऑलमोस्ट इसमें हमने गॉस थ्योरम का ऑलमोस्ट सेट uh, बना दिया है मतलब सेटअप uh, तैयार कर दिया है अब बस हमको इसको उठा के uh, इसके राइट हैंड साइड के इक्वल रखना है और बस हमारा गॉस थ्योरम तैयार हो जाएगा तो फिर uh, अगले वीडियो में अगले वीडियो में हम इसका जो है गॉस थ्योरम डिराइव करेंगे और ये भी जानेंगे कि गॉस का डाइवर्जेंस फॉर्म क्या है तो इस वीडियो में इतना ही रखेंगे मिलते हैं अगले वीडियो में इस वीडियो से रिलेटेड अपने कमेंट ज़रूर बताएं एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो थैंक यू